जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला है जो हम लोग स्प्राइट एग्रो राइट इशू के बारे में। राइट इशू क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स में इस वीडियो में आपको दूंगा। साथ में राइट इशू में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए यह भी बताऊंगा और नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कमाल का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में लगातार शानदार रिटर्न निकाल कर दिया है। जब आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी का चार्ट जब से चलना शुरू हुआ रुका ही नहीं है, लगातार ऊपर की तरफ प्राइस गया और अपने निवेशकों को किसी ने किसी भी प्राइस पे इस स्टॉक को बाय किया उसके पास उसको छप्परफा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो अभी राइट इशू लेकर आया है और राइट इशू में भी आपको अच्छे से कमाई का मौका मिल सकता है। इसी मौके को हम लोग इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको हर एक चीज आसान भाषा में बताऊंगा, राइट इशू क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप इसमें पैसा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए राइट इशू जो पहले ये समझिए राइट इशू होता क्या है। राइट इशू का सीधा सा मतलब होता है जब कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी या तो बैंक के पास जाती है, बैंक से पैसा ले सकती है, लेकिन बैंक से पैसा लेने पर यह दिक्कत है कि इसको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा है कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है, आईपीओ के जरिए पैसा जुटा सकती है, लेकिन आईपीओ तो एक ही बार आता है जब पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाती है। अब आईपीओ ला नहीं सकती, बैंक के पास जा नहीं सकती, तो एक और रास्ता होता है कंपनियों के पास जिसको कहते हैं राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उनसे ही कहती है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट भाव से कम प्राइस पे दे रही हूं। जैसे मार्केट में इस कंपनी का अभी आप प्राइस देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी का प्राइस 36 रुपए के आसपास चल रहा है और जो कंपनी राइट इशू लेकर आई है उसका प्राइस रखा गया है 13.04 रुपया, यानी कि एक शेयर का प्राइस आपको सिर्फ 13.5 रुपए के करीब पड़ रहा है और मार्केट भाव में खरीदेंगे तो 36 रुपया मिलेगा। तो राइट इशू में कंपनियां कहती है अपने शेयर होल्डर से कि मैं आपको मार्केट भाव से कम भाव पे शेयर्स को दे रही हूं, आप मुझसे शेयर खरीद लीजिए। इससे लोगों को क्या बेनिफिट होता है कि एक तो सस्ता मिल रहा है शेयर्स तो खरीद लेते हैं, उनका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है, प्लस कंपनियों को ये फायदा होता है कि उनको थोड़ा शेयर्स निकाल देती हैं ज्यादा, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में पड़े हैं उससे थोड़ा और ज्यादा शेयर्स, जैसे यहां देखेंगे 3,34,84,611 नए शेयर्स मार्केट में निकाल दिए हैं। अभी शेयर्स को कंपनी 13.40 रुपए के हिसाब से बेच रही है तो इससे क्या होगा, कंपनी को पैसे भी मिल गए और आम आदमी को भी जो इस कंपनी के शेयर होल्डर उसको भी बेनिफिट हो गया। इसलिए कंपनी इस राइट इशू के कंपनी पैसा कितना जुटाने जा रही है तो तकरीबन 44,87,00,000 रुपया इस राइट इशू से कंपनी जुटाएगी और इससे इसका उपयोग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में और थोड़े बहुत कंपनी के पास जो डेब्ट वगैरह है, हालांकि डेब्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी यदि कुछ इस क्वार्टर्स में आए हैं तो उसको पे करेगी। अभी यहां समझेंगे राइट इशू ओपन होने जा रहा है आपको 24 जून से और 12 जुलाई तक राइट इशू ओपन रहेगा। हालांकि इतना लंबा राइट इशू सामान्यतः ओपन नहीं होता है, इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम कंपनी ने दिया है तो आपको अच्छा खासा इसमें टाइम मिल जा रहा है, लगभग 20 दिनों का। आप इसमें 24 जून से लेकर 12 जुलाई के पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपको जैसे मैंने बेनिफिट बताया कि मार्केट भाव से कम प्राइस पे शेयर मिल जाएगा, आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा और इसका अब एक बात ध्यान से समझिए, इसके लिए जो रेशियो रखा गया ना वो रखा गया 1:15 का। 1:15 का मतलब हुआ कि जिसके पास 15 शेयर्स हैं वही व्यक्ति एलिजिबल होगा इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। 15 शेयर्स पर एक राइट इशू कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर एक्स्ट्रा देगी और जब ये इशू ओपन होगा तो आप देखेंगे यदि आपके पास 15 से ज्यादा शेयर्स हैं तो 15 के मल्टीपल में आपके पास उतने एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे, यानी कि वो राइट इशू वाले शेयर्स हैं जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आपको दिखाई देगा। अब उस राइट इशू वाले जो शेयर्स आपको मिलेंगे, मान लीजिए किसी के पास 15 शेयर्स हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, तो इस एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए उसको क्या करना होगा, हमेशा के लिए अपने डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना है आपको 12 जुलाई तक टाइम है, अप्लाई करेंगे तभी ये शेयर्स पूर्ण रूप से आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और इसमें अप्लाई करेंगे तो एक शेयर के लिए मान लीजिए एक शेयर आपको मिला है तो आपको इसमें 13.5 रुपए करीब आपको पे करने होंगे। जब पे कर देंगे तो कुछ दिन बाद ये एक शेयर एक्स्ट्रा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। नहीं अप्लाई करेंगे तो जब ये राइट इशू बंद होगा तो आपके डीमैट अकाउंट से जो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी आपको देगी वो गायब हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान से समझिए, यदि आपको राइट इशू में अप्लाई करना है तो आप क्या कीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेगा उस शेयर्स को 12 जुलाई के पहले तक आप अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं अप्लाई करना है तो आप क्या कीजिएगा कि जो राइट इशू वाले शेयर्स आपको मिलेंगे, राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर्स उसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलता है उसको जरूर बेच दीजिएगा। ये रिनंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स का अभी डेट घोषित नहीं हुआ है, एक डेट निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यह डेट आपको 12 जुलाई के पहले का ही होगा। ये जो डेट यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि जिसको अप्लाई नहीं करना है और उसको यदि राइट इंटाइटलमेंट का शेयर्स मिला है तो व्यक्ति इस डेट के पहले तक अपने शेयर्स को बेच देगा। जैसे आप मान लीजिए कंपनी ने राइट इशू का आपको शेयर्स दिया, मान लीजिए किसी को 2 शेयर्स मिले राइट इशू में, उसको तो कुछ करना नहीं पड़ा, 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, अब अप्लाई करेगा तब पूर्ण रूप से डीमैट अकाउंट में आएंगे। नहीं अप्लाई करेगा तो क्या होगा, जब इशू क्लोज होगा 12 जुलाई के बाद तो ये शेयर्स आपके गायब हो जाएंगे। इसलिए नहीं अप्लाई करना है तो शेयर्स को बेच दीजिएगा। बेचने का जो डेट है रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, सभी डेट नहीं निकला मैं अपडेट कर दूंगा, इस डेट के पहले जरूर बेच दीजिएगा। बेच देंगे तो आपको इसके हिसाब से आपको फायदा हो जाएगा। मान लीजिए 2 शेयर से तो आपको तकरीबन 27 रुपए मिल जाएंगे, 1 शेयर से तो 13.5 रुपए मिल जाएंगे। अगर नहीं अप्लाई करना है तब
अप्लाई करना है तो आपको इसको पे करना होगा, और अगर नहीं अप्लाई करना है तो बेच दीजिएगा इस डेट के पहले, नहीं बेचेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट से जो फ्री वाले शेयर हैं ये गायब हो जाएंगे, तो आपको एक प्रकार से डबल नुकसान हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति इस कंपनी के शेयर्स को 7 जून से पहले बाई किया है, 7 जून 2024 से, सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होगा इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद भी यदि उसके पास 15 शेयर्स है तभी अप्लाई होगा इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। आप अगर आपके पास 15 शेयर्स है तो आपके पास ऑटोमेटिक कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे, उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका डेट नहीं निकला है, ये शेयर्स आपको जुलाई मंथ में ही क्रेडिट होगा, क्योंकि 12 जुलाई के बाद तकरीबन मान के चलिए कि 8-10 दिन का समय लग जाता है, और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इसकी लिस्टिंग हो जाएगी सिर्फ बीएससी पर, क्योंकि ये स्टॉक आपको सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है। जिस तरीके से आईपीओ का लिस्टिंग होता है, पहले आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं फिर वो लिस्टेड हो जाता है, तो इसी तरीके से इसमें भी होगा। उम्मीद करता हूँ राइट इशू के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट पर रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।